परिसर अध्ययन भाग दो पाठ सात आवास से लेकर गांव बस्ती तक भाग दो। बच्चों, इसके पहले हमने भाग वन में पढ़ा था किस तरह से गांव और बस्ती का विकास हुआ और किस तरह से मानव स्थायी रूप से रहने लगा। बच्चों, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने 7.1 पढ़ा था आवास और किस तरह से मानव ने अपने आवास बनाए। वह नदी के किनारे रहता था और किस तरह से आधुनिक मानव के भोजन में और जीवन में अस्थाई और अस्थाई रूप से परिवर्तन आया, किस तरह से उसने अपने भोजन में बदलाव लाया और किस तरह से मानव के भोजन में परिवर्तन आया। वह बड़े जानवरों को मारने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े जानवर जैसे मैमोथ नामक जानवर, बड़ी हाथी जिसे आप कह सकते हो, ये जानवर लुप्त हो गए बड़ी मात्रा में इनका शिकार करने से। बच्चों, आज हम अस्थाई आवास में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और गांव और बस्ती 7.3 टॉपिक भी पढ़ेंगे। 7.2 में हमने आपको लास्ट पीरियड में भी बताया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बच्चों, कि भोजन पद्धति के बदलाव के कारण बुद्धिमान मानव समूह में एक साथ होकर के बड़े जानवरों का को मारता था और उन जानवरों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करता था। मैमोथ जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस जानवर का बड़ी मात्रा में शिकार करने की वजह से ये प्रजातियां नष्ट हो गई, लुप्त हो गई और अब हमें इस तरह के जानवर दिखाई नहीं देते। बुद्धिमान मानव जो अब समूह में रहता था, वह दूर दूर एक समूह के साथ जा सकता था, उसे कह सकते हो घुमक्कड़ करके, मतलब घूम घूम करके वो अपना आवास बनाता था और इसी कारण जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से वह अपना घर शिफ्ट करते रहते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। तो यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों कि संबंधित स्थान की जलवायु के, जैसे बहुत शीत पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है तो वह गुफाओं में रहने लगे, और फिर गर्मी पड़ने लगी तो वह नदी के किनारे रहने लगे। तो इस तरह से वह समूह बना करके बुद्धिमान मानव एक छोटा कस्बा या समाज बना करके रहने लगा। वह भोजन के रूप में अनाज, फसलों की कटाई करना, कंदमूल इकट्ठे करना जैसे कार्य करने लगा और साथ में ही मछली पकड़ने का कार्य भी करने लगा। और वह ये भी जानता था कि किस मौसम में उसे बड़ी मात्रा में मछलियाँ कहाँ पर मिलेंगी, यह ज्ञात करना उसे लाभ प्राप्त करने लगा। मतलब कि जब उसे बुद्धि आई, जब समझदारी आई, तब वह उसका फ़ायदा उठाने लगा और वह यह भी जानने लगा कि शिकार बड़ी मात्रा में कब और कहाँ मिलेंगे। जैसे ठंडी के मौसम में उसे शिकार कहाँ मिलेंगे, गर्मी के मौसम में उसे शिकार कहाँ मिलेंगे, ये सब की उसको जानकारी प्राप्त हो गई थी और धीरे धीरे वह इसका निरीक्षण करता रहता था। इन सभी कारणों से वह सभी एक स्थान पर दीर्घ समय तक, मतलब लंबे समय तक रुकने लगे और ये दीर्घ समय तक रुकने की वजह से वहाँ पर गांव और बस्तियों का निर्माण हुआ। जंगल में पेड़ों की कटाई करके वो खुले स्थान पर वे अपने आवासों की अस्थाई पड़ाव डालते थे। जंगलों में जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक न करे, उनका शिकार न करे, इसलिए वो जहाँ भी अपनी बस्ती बनाते थे उस जगह की कटाई करते थे और उसको खुला मैदान बनाकर फिर वहाँ पर वो अपने घर बना करके रहते थे। तो इस तरह से अस्थाई मानव ने अपना स्थाई निवास बना करके रहने लगा। चित्र आप देखिए बच्चों, अश्मयुगीन अस्थाई आवासों का काल्पनिक चित्र। यहाँ देखिए किस तरह से अश्मयुगीन मानव, बुद्धिमान मानव जो था, वह आग जलाकर पत्थरों को तोड़ करके औजार बनाता था, तीर धनुष भी बनाया है और मछलियां पकड़ रहा है और कुत्ता भी उनके साथ में है। आपने पहले लेसन में भी पढ़ा होगा कि वह कुत्ते को अपने साथ रखता था प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। बच्चों, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे 7.3 गांव बस्ती। आप सामने चित्र देखिए, नवाश्मयुगी गांव बस्ती का काल्पनिक चित्र, किस तरह से गांव बसा उसका एक कल्पना चित्र हमें बना करके दिया हुआ है। इसमें आप देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, कुत्ते भी हैं और बच्चे
औरतें सभी मिलकर के खेती कर रहे हैं। तो इस तरह से गांव का और बस्ती का विकास होना शुरू हुआ। नवाश्म युग के मानव की जीवन पद्धति पुराश्मयुगीन और मध्ययुगीन जीवन पद्धति की तुलना में पूर्णतः भिन्न थी, मतलब बिल्कुल अलग थी। इस कालखंड में मनुष्य का अनाज का उत्पादक बना, मतलब वो अनाज उगाने लगा था। नवाश्म युग में खेती का प्रारंभ होना शुरू हो गया, खेती का प्रारंभ हो गया। यह नवाश्म युगीन संस्कृति की विशेषता है कि इसी नवाश्म युग से ही आज तक हम खेती कर रहे हैं। हमने खेती करना नवाश्म युग से ही सीखा हुआ है। शिकार करने और फल कंदमूल इकट्ठे करने के लिए निरंतर घूमना पड़ता है, परंतु अब दीर्घ काल पर तक पूरा पड़ेगा। इतने अनाज का प्रबंध करना खेती के कारण संभव हो गया, अतः इस कालखंड में निरंतर शिकार करने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चों, शिकार करेंगे तभी उनका पेट भरेगा, ऐसा नहीं था। अब वो खेती कर रहे थे और परिणाम स्वरूप निरंतर घूमने की भी आवश्यकता नहीं थी मानवों को। साथ में वो खेती भी करते थे और साथ में फिशिंग भी करते थे, मछलियाँ भी पकड़ते थे। साथ ही खेती के कामों का स्वरूप कुछ ऐसा था कि इस कालखंड के मानव के लिए एक स्थान पर रहना आवश्यक हो गया। वो जब खेती करते थे तो उगता था और फिर उसकी कटाई होती थी। अनाज के उगने तक, उसकी फसलों की कटाई होने तक और फिर फसलों का उपयोग करने के लिए उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। इसी तरह से बच्चों, अतः अस्थाई रूप से गांव और बस्ती बनाकर मनुष्य की कई पीढ़ियां एक स्थान पर स्थिर हो गई। मतलब अब वो अलग अलग जगह पर जाकर शिकार नहीं करते थे, एक ही स्थान पर खेती करते थे और वहीं उन्होंने अपना स्थाई घर बना लिया, स्थाई निवास बना लिया। नवाश्मयुगीन गांव बस्तियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, जब समाज में सभी लोग एक साथ रहने लगे तब एक समाज का निर्माण हुआ और समाज में अलग अलग संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ और सुचारू रूप से एक समाज और बस्ती बन सके इसलिए एक गाँव का निर्माण हुआ। इसकी जानकारी, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किस तरह से हुआ, इसकी जानकारी हम अगले पाठ में लेंगे, समझेंगे।